आज हम लोग जी कोई भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें वाटर ले लेते हैं। इसे सबको पता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कभी हम लोग दिमाग लगाए नहीं कैसे इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे कि सही में ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन का वो नहीं जल पाएगा। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग वाटर लिए हुए हैं, और ये देखिए वाटर में थोड़ा सा कलर मिला दे रहे हैं ताकि पता चले कि ये जब ग्लास हम लोग इसके अंदर अभी करेंगे, बंद करेंगे, तो इसके अंदर जो वाटर है ये थोड़ा वाटर ऊपर आएगा ग्लास में। अब वाटर सोचिए ग्लास में ऊपर आएगा, क्या वजह है ये भी हम लोग यहाँ देखेंगे। यानी एक प्रैक्टिकल से दो चीज़ सीखने को मिलेगा हम लोग को यहाँ पे। इसमें कुछ बूंद हम कलर मिला दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ग्लास का भी आपका जो कलर है वो वाइट है, और वाटर का भी, तो पता नहीं चलेगा कि कलर पानी आपका ऊपर गया कि नहीं गया। अब लेकिन पता चलेगा कि ये ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसको थोड़ा सा घोल देते हैं, थोड़ा सा अब ये कैंडल जो लिए हुए हम लोग, ये कैंडल को क्या करेंगे, जलाएंगे। अच्छा ये कैंडल तब तक जलता रहेगा जब तक इसको इसके पास है मोम है ना। सिर्फ मोम से ही जल रहा है यही हम लोग अभी तक जानते हैं, नहीं सिर्फ मोम से ही नहीं जल रहा है, इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अरे ये ऑक्सीजन आपको दिखाई पड़ता नहीं है, हवा दिखाई पड़ता है क्या, ऑक्सीजन दिखाई नहीं पड़ता है, ये ऑक्सीजन के सहारे ही जलता है। अभी देखिए थोड़ा देर तक हम लोग जला के छोड़ दिए तो ये जलते रहेगा, तब तक जलेगा जब तक इसका मोम है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये मोम से खाली जल रहा है, नहीं एकदम बिल्कुल गलत है। मोम के साथ साथ इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कैसे हम लोग इसको देखेंगे, अब इसमें भरा हुआ है ना ऑक्सीजन, बोलिएगा सर कैसे, आप बोलिएगा सर इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, एक दिन भी दिखाएंगे इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है ना। इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे अगला वीडियो में हम लोग। अभी इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग ढक रहे हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इसके साथ संपर्क में आके जल जाएगा, और जब ऑक्सीजन इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, बोलिए, कैंडल बुझ जाएगा। चलिए देखते हैं कैंडल बुझता है कि नहीं बुझता है। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है ना। वाटर लेवल देखिए ऊपर आ रहा है। आया ऊपर नहीं आया, अरे ऊपर आ गया पूरा, देखो यहाँ तक आ गया। अब वीडियो में हम दिखा दे रहे हैं, देखिए पूरा वाटर लेवल ऊपर आ गया है। अब यार क्या यहाँ भूत है जो पानी को ऊपर धकेल दिया क्या, भूत नहीं ना यहाँ जी, नहीं कुछ ना कुछ हुआ यहाँ पे, बोला खतरनाक वाला चीज़ हुआ है नहीं। देखो सबसे पहले कैंडल बुतने का वजह क्या हुआ ये समझते हैं हम लोग। कैंडल क्यों बुता, कैंडल इसलिए बुता क्योंकि कैंडल को जलने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन, और इसके अंदर जितना ऑक्सीजन था वो ख़त्म हो गया। अब ये तुम लोग को छोटा बना के इसमें घुसा देंगे ना तो कहानी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, तुम सांस कैसे लोगे, बात समझ में आ रही है। इसके अंदर जब तुमको छोटा बना के हम घुसा के रख दें तो आदमी वहाँ जिंदा नहीं रह पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो ख़त्म हो चुका है। ऑक्सीजन ख़त्म हुआ इसलिए तो बुझ गया, वो बोलता है ना कि उसका चिराग बुझ गया, नहीं मर गया मतलब। तो ये कैंडल के साथ भी तो यही हुआ, इसका चिराग बंद हो गया, बुझ गया, क्यों, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। जैसे एक किसी का बेटा को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसका चिराग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। सिमिलरली इस चिराग को जलते रहने के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब देखिए ये तो समझ में आया कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, ये बुझ गया। अब यार ये क्या हो गया, ये तो वाटर लेवल ऑटोमेटिक ऊपर आ गया, ये तो जादू हो गया। आज तक तो नहीं देखे थे कि क्या बोलते हैं अपने से पानी ऊपर चला, पानी को ऊपर ले जाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है, नहीं ये तो ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। देखिए हुआ क्या यहाँ पे ऑक्सीजन जब जल गया, ठीक है, ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं क्या होता है, थोड़ा सा भारी होता है तो वाटर में क्या आ जाएगा, घुल जाएगा वो। तो यहाँ पे गैस का जो प्रेशर था पहले उसके कंपेरिजन में क्या हो गया, कम हो गया। अब जब कम हो गया प्रेशर, गैस का प्रेशर कम हो गया तो वाटर लेवल ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी वजह से क्या हुआ, वाटर लेवल ऊपर आ गया। तो दो चीज़ हम लोग को यहाँ पर सीखने को मिला, पहला क्या सीखने को मिला कि कोई भी चीज़ को जलने के लिए
ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा सेकेंड पॉइंट, जब यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुल गया। कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना जी, वो जो तुम हिला के छोड़ते हो कोल्ड ड्रिंक बाहर फेंका जाता है ना, उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी आपको कितना बेवकूफ बनाता है कोल्ड ड्रिंक वाला, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पिलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर के लिए अच्छा है ना, खराब है, बिल्कुल ख़राब है। और आप बड़ी स्टाइल से पीते हो कोल्ड ड्रिंक, नहीं पूरा स्टाइल दे दे के ओ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मज़ा आ गया, और पी क्या रहे हो तुम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उम्मीद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जगह, कोल्ड ड्रिंक के जगह तुम किसान का भला करोगे और गन्ना का जूस पिएगा, और जो किसान उपज करता है उस, अब गन्ना का जूस पीने से आपको फ़ायदा भी होगा और हमारे किसान भाई को भी फायदा होगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नया वीडियो करेंगे। चलिए। निकलो, धीरे धीरे निकलिएगा।